गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ 11th क्लास विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन 11th क्लास। 11th क्लास में इम्पोर्टेंस तो है ही इसका, इसके 11th के साथ साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। पूरी सीरीज है इसकी मैं बनाने जा रहा हूँ और बैक टू बैक इसके प्रीमियर रहेंगे आपके पास, ठीक है। पूरी सीरीज़ का मतलब इस चैप्टर में से कम 20 वीडियो आएंगे। अगर इन 20 वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देख लिया और अच्छी तरीके से दिमाग में आपके घुस गए तो निश्चित है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इन इंट्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो इसका कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अपन जैसे बात करें, इसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, एस्पेक्ट्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से मतलब है कि जब ये केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी उस टाइम ऑर्गेनिक का मीनिंग होता था बच्चों, ऑर्गेनिक मीन्स होता था लाइफ, मीन्स एनी कंपाउंड विच ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग बीइंग कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही तो है लाइफ का मतलब, लिविंग बीइंग से कोई कंपाउंड मिल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं थी उस टाइम पे, ये मैं बात कर रहा हूँ 16th सेंचुरी की। 16th सेंचुरी में ऐसी बात नहीं थी, कंपाउंड नहीं थे, कंपाउंड थे लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं था उन कंपाउंड को, और नॉलेज के साथ साथ उस टाइम इतने साधन भी नहीं थे कि उन चीज़ों को पब्लिश कर सकें, ठीक है। तो शुरुआत में देसी जुगाड़ था, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कह दिया भैया ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ होता है, एनी कंपाउंड विच ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग बींग, लिविंग बींग का मतलब है प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड मिले उसको क्या बोल दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1675, अपन हिस्ट्री हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, 1675 में एक व्यक्ति था जिसने इन कंपाउंड्स को क्लासिफाइड करने की ज़रूरत की, उसका नाम था, जब भी केमिस्ट अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो लेमरे को अपन याद करेंगे, 1675 इसने अपनी एक बुक लिखी ये इसकी बुक थी कोस डी काइमी, इसमें इसने क्या किया, ही क्लासिफाइड ऑल सबस्टेंसेज इन थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में इसने क्लासिफाइड किया था सबस्टेंसेज को। वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी थी, लेमरे 1675 ही पब्लिश्ड अ बुक कोर्स डी काइमी एंड ही क्लासिफाई सबस्टेंसेज इन थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज कौन कौन सी थी, नंबर वन मिनरल सबस्टेंस, दूसरा एनिमल सबस्टेंस और तीसरा वेजिटेटिव सबस्टेंस। मींस लेमरे ने ही क्लासिफाइड ऑल सबस्टेंसेज इन थ्री कैटेगरीज, मिनरल सबस्टेंसेज, एनिमल सबस्टेंसेज एंड वेजिटेटिव सबस्टेंसेज। मिनरल सबस्टेंसेज यहाँ लिखें अपन, नंबर वन ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल,
मिनरल्स से जो ऑप्टेन हो रहा था उसको इसने क्या बोला, मिनरल सब्सटेंसेस, एनिमल सब्सटेंसेस, एनिमल से जो ऑप्टेन हो रहे थे उनको क्या बोला, एनिमल सब्सटेंसेस, वेजिटेटिव सब्सटेंसेस, प्लांट से जो ऑप्टेन हुए उनको क्या बोला, वेजिटेटिव सब्सटेंसेस। ठीक है भैया, 1675 में इसने क्लासिफिकेशन कर दिया, ही क्लासिफाइड थ्री कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस, मिनरल सब्सटेंसेस, एनिमल सब्सटेंसेस एंड वेजिटेटिव सब्सटेंसेस। बट 1785 में 110 साल बाद एक महान व्यक्ति आया जिसको कि मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी बोला जाता है, उसने क्या कहा देखना आप, जो 1785 इस क्लासिफिकेशन के 110 साल बाद 1785 में एक लेवोजियर आया, इसने क्या कहा, इसने पढ़ा होगा इसकी किताब को, इसने ये कहा, इट डजंट मैटर वेदर द सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेटिव सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस, इट ऑलवेज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। आप मेरी बात सुनना दोबारा, इसने क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो मिनरल सब्सटेंस से मिल रहा है, चाहे एनिमल सब्सटेंस से मिल रहा है, चाहे वेजिटेटिव सब्सटेंस से मिल रहा है, उन सब में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसी वजह से ये जो इसका क्लासिफिकेशन था टोटली क्या हो गया, फेल हो गया। तो लेवोजियर क्या कहते हैं इसको, इसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की इसको उपाधि दी गई है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब बात आ रही थी, चल रहा था काम धीरे धीरे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उस टाइम, सारे कंपाउंड अवेलेबल थे लेकिन लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, साधन नहीं थे। कंपाउंड बहुत सारे थे, डेली यूज में भी लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई भी कंपाउंड इस समय तक लेबोरेटरी में नहीं बना था। लेबोरेटरी में नहीं बना था मतलब लोगों ने कंपाउंड अलग तो कर लिए थे, कंपाउंड जो थे उनमें से, जैसे यूरिया, ये यूरिन से यूरिक एसिड अलग किया गया था, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो फिल्ट्रेशन या अलग किए जा चुके थे, लेकिन बनाया कोई कंपाउंड नहीं गया था। तो बहुत सारे लोगों की बातें थी इसको लेके कि भाई कंपाउंड कोई क्यों नहीं बन रहा है। तो इसी में एक वर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, एक थ्योरी प्रपोज की कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। तो अपन यहाँ कई बार पूछ लेते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वर्जीलियस। इसने क्या कहा था, सम वाइटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, मींस कोई ना कोई देवी शक्ति चाहिए इस किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, क्योंकि लोगों के पास, लोगों ने कंपाउंड अलग कर लिए थे, यूरिन से यूरिक एसिड हो गया था, बहुत सारे कंपाउंड उस टाइम तक अलग किए जा चुके थे, लेकिन कोई भी कंपाउंड लैब में नहीं बना था। तो नहीं बना था तो लोग फिर बहुत सारी बातें करने लग गए, तो बातों में नंबर वन पे कौन आया, आपके वर्जीलियस आया। इसने कौन सी थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी दी, और इसने कहा भी कि सम वाइटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, विदाउट वाइटल फोर्स देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, मीन्स कोई ना कोई देवी शक्ति चाहिए, वाइटल फोर्स चाहिए कंपाउंड को बनाने के लिए। अब मजे की बात देखिए आप, अच्छा गुरु वो है जो अपने शिष्य से हार जाए और अच्छा बाप वो है जो अपने बेटे से हार जाए। इसी का एक स्टूडेंट था वर्जीलियस का, उस स्टूडेंट का नाम था वॉलर। इस वॉलर ने 1828 में क्या किया, मजे मजे में लैब में इसके साथ काम कर ही रहा था, इसने NH4CNO जिसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट, इस अमोनियम साइनेट को इसने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पे ये वॉलर क्या देखता है कि ये जो अमोनियम साइनेट था ये किस में चेंज हो गया, यूरिया में, यूरिया। अब यहाँ देखिए, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और ये
कैसा था? ऑर्गेनिक। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? फेल कर दिया। किसने? बॉलर ने। और बॉलर कौन था? वर्जीलियस का स्टूडेंट ही था। अब यहाँ देखना ये था क्या आपके अमोनियम साइनेट को जो हीटिंग से आपके यूरिया मिली, यानी कि ये इधर इनऑर्गेनिक था और ये कैसा बन गया? ऑर्गेनिक। अब ये देखो आप, बेसिकली दिस इज एन आइसोमेरिक चेंज। ये एक तरह का क्या था? आइसोमेरिक चेंज था। और इस रिएक्शन को एक तरह से रिवोल्यूशनरी रिएक्शन बोल सकते हैं अपन, क्रांतिकारी अभिक्रिया। क्रांतिकारी यूं बोल रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन ने किसको फेल कर दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी को ही फेल कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कह रही थी? कि देयर इज सम वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ तो क्या वाइटल फोर्स था? सीधा गर्म किया, गर्म करने से अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक था और बना क्या? यूरिया। तो ये यूरिया कैसा था? ऑर्गेनिक था। तो इसलिए इसको रिवोल्यूशनरी रिएक्शन बोला जाता है। अब बात आती है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस की। बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि ऑर्गेनिक होती क्या है। ठीक है, तो अपन यहाँ सारी की सारी डेफिनेशंस बात करेंगे। पहली डेफिनेशन है, नंबर वन डेफिनेशन की जैसे मैं बात करूँ, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन से बने हुए कंपाउंड जिनका जिसमें स्टडी किया जाता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस ब्लैक फ्यूम ऑन कंबसन। जलने पर कोई काला धुआं दे उसको मैं क्या बोलूँगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूँगा। और द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग बीइंग कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। कोई जैसे कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन उसको ऑर्गेनिक बोल दिया, कंपाउंड विच प्रोवाइड प्रोड्यूस ब्लैक फ्यूम ऑन कंबसन जलने पर काला धुआं देते हैं उनको ऑर्गेनिक बोल दिया, और कंपाउंड विच ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग बींग उनको भी ऑर्गेनिक बोल दिया। और लेटेस्ट डेफिनेशन क्या कहती है भैया? देखो आप, लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये लेटेस्ट डेफिनेशन है, मीन्स हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में को सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या माना जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पेरेंट्स माना गया है। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन, द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये थी आपके डेफिनेशन। अब बात आती है कि कार्बन में ऐसा क्या खास बात है कि जिससे वो इतने तरीके के क्या कहते हैं कंपाउंड बनाता है। तो कुछ खास बातें अपन कार्बन के बारे में कहते हैं। नंबर वन देखो, कार्बन का डिटेल अपन यहाँ करेंगे। नंबर वन कार्बन, इट इज टेट्रावेलेंट। ये टेट्रावेलेंट होता है। जैसे मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 2 and 4। अब ये वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ड्यू टू दिस 4 इलेक्ट्रॉन इट इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब है इट कैन
कंबाइन विद फोर अदर एटम और ग्रुप्स, ये किसी चार एटम दूसरे एटम या ग्रुप से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। टेट्रावेलेंट होता है क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया, चलो बिल्कुल सही बात। दूसरा, इट शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। अब कैटिनेशन का मतलब क्या है, कैटिनेशन का मतलब है कैटिनेशन का मीनिंग है टू फॉर्म चेन लाइक कंपाउंड। चेन जैसे जैसे चेन होती है ना पहनने वाली एक दूसरे से जुड़ी हुई इस तरह से, इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो कार्बन क्या कर सकता है, आपस में दूसरों के साथ इस तरह से चेन जैसे क्या कहते हैं कंपाउंड्स बना सकता है, उसको अपन बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो पहला रीज़न तो आपके पास आ गया टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्यों है, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चार हैं, चार इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कोई भी चार एटम या ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकते हैं। दूसरा, कैटिनेशन, इट फॉर्म चेन लाइक कंपाउंड, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, ठीक है। एंड ड्यू टू कैटिनेशन देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये दूसरी आ गया। इसके बाद तीसरा जो रीजन है, आइसोमेरिज्म। तीसरा जो रीजन है उसके बारे में अपन लिखें आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर सच पार्ट कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर सच पार्ट आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। अब यहाँ आइसोमेरिज्म का मीनिंग देख लेते हैं अपन। देखो, आइसो मीन्स होता है इक्वल और मीरोज मीन्स होता है पार्ट, इक्वल पार्ट। मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर, इस तरह के जो पार्ट होंगे उनको मैं क्या बोलूँगा, आइसोमर बोलूँगा, और इस फिनोमिना को मैं बोलूँगा आइसोमेरिज्म। तो कार्बन आइसोमेरिज्म भी दिखाता है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। ये कुछ रीज़न थे ऑर्गेनिक कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के। नंबर वन टेट्रावेलेंसी, नंबर टू कैटिनेशन, तीसरा आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद जैसे अपन डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं घुमाएंगे, डायरेक्ट बात करते हैं बॉन्डिंग, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एक तरह की दोस्ती है और तरह तरह की दोस्ती देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर, लेकिन बॉन्डिंग भी क्या है, एक तरह की अपने फ्रेंडशिप बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनमें बॉन्डिंग किस तरह की होगी, तो टेंथ में भी अपन ये पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब
बच्चों कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तो इसको अपन कोवलेंट टाइप को भी जैसे जाने, तो कोवलेंट की जो डेफिनेशन है उसको क्या है? कैसे लिख सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में? कोवलेंट बॉन्ड, यहां लिखूंगा मैं द बॉन्ड विच इज बीइंग formed by mutual sharing of electron. इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को अपन बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. म्यूचुअल शेयरिंग समझ लो, जैसे मैं बात करूं ये दो हैं कोई ए और बी, ए के पास कुछ चीजें हैं और बी के पास कुछ चीजें. ए जब बी को देगा तभी बी ए को देगा, तो इस तरह का जो एक्सचेंज होगा उसको मैं क्या बोलता हूं? कोवलेंट बॉन्ड बोलता हूं. म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है यहां पे कोई भी चीजों की, और यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग किसकी होगी? इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होगी. जैसे अपन थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, टेंथ क्लास में अपन ने ये भी पढ़ा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है आइदर बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो डबलेट पूरा करता है, वो कौन सा है बेटा? हाइड्रोजन. ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं यहां पे CO2 है, CO2 में कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चार, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन छह. अब कार्बन को तो मैंने यहां इस तरह से लिख लिया बीच में, और ऑक्सीजन को इधर लिख लिया, ये छह इलेक्ट्रॉन इसके, और इधर भी छह लिखते हैं अपन, ये छह छह लिखती है. अब रूल क्या कह रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट आइदर बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब क्या करे कि कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इस ऑक्सीजन को, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा. देखो आप टेंथ में आपने पढ़ा होगा खूब सारा, और ये यहां इसको दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब इस कार्बन को भी अपना ऑक्टेट चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन जो है दो दो इलेक्ट्रॉन इसको दें, तो देखो इस कार्बन का भी क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई या नहीं हुई? मतलब एक को पहले ने दिया उसके बाद ही दूसरे ने दिया, तो इस तरह की जो शेयरिंग है उसको मैं क्या बोलता हूं? म्यूचुअल शेयरिंग. और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको मैं क्या बोलता हूं? कोवलेंट बॉन्ड. और कोवलेंट बॉन्ड तीन तरह का बन सकता था, लास्ट टेंथ में पढ़ा होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जैसे मैं बात करूं यहां पे हाइड्रोजन H2, इसको एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास दो एक इलेक्ट्रॉन, एक पहले ये इसको दे दे और दूसरा ये इसको दे दे, शेयरिंग कितनी हुई? वन पेयर की, तो सिंगल. डबल की जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन के पास सिक्स और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी सिक्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और इसका हुआ. शेयरिंग कितनी हुई आपके? दो पेयर की, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड की जैसे बात करूं N2 नाइट्रोजन, N2 जो है N2 के पास एक, N2 के पास पांच, दूसरे N2 के पास भी कितने हैं? पांच. अब ये तीन इलेक्ट्रॉन पहले इसको दे तो इसके एट कंप्लीट, और ये वापस दे तो इसके एट कंप्लीट, शेयरिंग कितनी हुई?
तीन पेयर की यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड इज फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल हाइड्रोजन डबलेट कंप्लीट करेगा हमेशा, डबल ऑक्सीजन, सिक्स सिक्स होते हैं शेयरिंग से, दो पेयर शेयर होंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन इसके बैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी जिससे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये तो था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है कोवलेंट बॉन्ड की उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में जैसे मैं बात करूं, ये आपने टेंथ में भी सारी चीजें पढ़ चुके हो। मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहती है भैया, कि दो एटम जब कंबाइन होंगे, कोई भी दो एटम, तो उन एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है आपके सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनता है पाई बॉन्ड। तो देखो यहां पे लिखेंगे अपन बच्चों, लिखेंगे अपन क्या, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें लिख देते हैं अपन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइन विद अदर एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म एंड दिस मॉलिक्यूलर orbital is called covalent bond। ठीक है बेटा, means समझने की बात है, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं क्या कह सकता हूं, कोवलेंट बॉन्ड कह सकता हूं। इनके लिए कुछ शर्तें भी हैं, हाफ फिल्ड होना चाहिए ऑर्बिटल, एक तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मस्ट, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इस तरीके से दो तरह के जो है बॉन्ड बनेंगे, पहला बॉन्ड बनेगा आपके सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, मींस द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइन विद अदर एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल then molecular orbitals are formed, these molecular orbitals are known as covalent bond। अब एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से जब कंबाइन होंगे तो होगा क्या, उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां ओवरलैपिंग के बारे में अपन जानेंगे, देखो ओवरलैपिंग बेटा देखो, मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ
और वाइटल। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये ऑर्बिटल क्या चीज होती है, तो ऑर्बिटल के बारे में भी अपन जानते हैं, ओवरलैपिंग थोड़ी बाद में चले, अपन फ्लैशबैक में चले। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नाइन्थ क्लास में, हालांकि इलेवेंथ में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां और आएगा, लेकिन नाइन्थ क्लास में अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन को क्या पता चल रहा था, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आपके होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इस तरह से ये एनर्जी लेवल है जिनको क्या बोलते थे, के एल एम एन। अब ऑर्बिटल होता क्या है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, समझना मेरी बात, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मींस न्यूक्लियस के चारों ओर का वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको मैं बोलता हूं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक तरह से रूम है, तो चार तरह के होते हैं, एस पी डी एफ। एस कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन, पी कैन अकोमोडेट सिक्स इलेक्ट्रॉन, डी कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी है, इनसे कम हो सकते हैं, इनसे ज्यादा नहीं होंगे। अब यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ अपन को इन दो ऑर्बिटल के बारे में जानना है। तो देखो भैया, तो ऑर्बिटल समझ में आया, द पैलेस अराउंड द न्यूक्लियस या रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मीन्स न्यूक्लियस के चारों ओर का वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको मैं बोलता हूं ऑर्बिटल। तो यहां अपन दो ऑर्बिटल के बारे में ही ज्यादा जानेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन अपन को इन दो ऑर्बिटल से ही करना है, एस और पी के बारे में। देखो बेटा, एस जो ऑर्बिटल है मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, दो से कम हो सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा नहीं होंगे। पी छह कर सकता है, छह से कम हो सकते हैं, छह से ज्यादा नहीं होंगे। देखो अब इनकी शेप के बारे में, जैसे अपन बात करें एस ऑर्बिटल, इसकी शेप कैसी होती है, राउंड शेप का होता है, ये राउंड शेप का होता है एस ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है। तीन तरह के होते हैं भैया, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके ये दो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, एस और पी। एस कैसा है, राउंड शेप का है, पी कैसा है, डंबल शेप का है, तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब आती है बात, अपन बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग क्या है भैया, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दो तरह की होती है हमेशा, ओवरलैपिंग दो तरह की है, एंड टू एंड, और दूसरी है साइड वाइज, एंड टू एंड एंड साइड वाइज, या इसको को एक्सियल भी बोल सकते हैं, और इस एंड टू एंड को मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी कि एक ही एक्सिस पे होनी चाहिए। एंड टू एंड फर्दर एस एस, एस पी एंड पी पी, एस एस नहीं कर देते हैं अपन, देखो एस और एस कंबाइन हो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड, यानी एंड टू एंड जो ओवरलैपिंग है उससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस और पी जैसे एक ही एक्सिस पे होने चाहिए, इनके भी आपस में कंबिनेशन से आपके क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पी और पी एक ही एक्सिस पे, इससे भी आपके क्या बनेगा, सिग्मा। मैंने कहने का मतलब ये है भाई, एक्सियल ओवरलैपिंग द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। साइड वाइज हमेशा बैकेंड जो ऑर्बिटल है, पी जेड जैसे हुआ,
इनके आपस में ओवरलैपिंग से आपके हमेशा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब बात आती है विच वन इज स्ट्रॉन्गर, पाई और सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, आफ्टर दैट पाई बॉन्ड विल फॉर्म। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे जो टॉपिक अपन चल रहा है इसी में आगे एक नई चीज आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। When same energy and different shape orbitals come close to each other, then they exchange their energy and new orbitals are formed. These orbitals called hybrid orbital and this phenomena called hybridization means when same energy and different shape orbital come closer to each other, एक दूसरे के जब पास आएंगे then they exchange their energy and due to this new types of orbitals are formed. These orbitals are called hybrid orbital and this process is called hybridization. ठीक है, ये hybridization किसने दिया था, ये एक महान व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था पॉलिंग। कब दिया गया था, 1909 में। यहां अपन को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है तो देखना, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा तीन तरह का अपन पढ़ेंगे। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरह का है, जो आगे आने वाली क्लासों में अपन टॉपिक आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। कार्बन का यहाँ पे मेनली तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन अपन को पढ़ना है, कौन कौन सा, sp3, sp2 एंड sp। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की एक बार दोबारा समझ लो आप, when same energy and different shape orbital come closer to each other, then they exchange their energy and due to exchange of energy the new orbitals are formed. These orbitals are called hybrid orbital and this phenomena is called hybridization. This phenomena was proposed by Pauling in 1909 and carbon atom has three type of hybridization, sp3, sp2 and sp। तो अपन को कार्बन का चेक करते रहना, तीन ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है और कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये मिलेगा उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो पहला अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको sp3 1s 3p, दोनों 1s एंड 3p कंबाइंड हो तो आपके बनेगा क्या, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे बनेंगे ये अपन देख लेते हैं। देखो s राउंड शेप का है, p के 3 px py
कंबाइंड हो तीनों चारों आपस में तो क्या बनते हैं? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये आपके क्या आ गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी बच्चों। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 109 डिग्री 28 पर मिनट। 28 पर मिनट क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को फॉर्म होने में 28 मिनट का टाइम लगता है। अब एक बात ध्यान रखना, दोबारा अपन रिकैप करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट, देन दे विल फॉर्म फोर टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। दीज फोर टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्फ इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये फोर टाइप के जो हैं ये किस में अरेंज कर लेंगे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेंगे। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 109 डिग्री 28 पर मिनट। अब बात आती है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किन किन कंपाउंड में मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा अपन लिख सकते हैं बच्चों, देखना, ऑल सिंगल बॉन्डेड जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हैं उनमें आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। इसका एक एग्जांपल स्ट्रक्चर बना के देखें अपन, CH4 का। CH4 में C का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हाइड्रोजन अपन को पता है क्या होता है, 1s1 होता है, यानी कि इसके पास राउंड है। तो इसकी स्ट्रक्चर कार्बन की स्ट्रक्चर तो यही आ गई आपके पास। इसमें चार हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं अपन, एक यहाँ पे जोड़ा देखो, ये सिग्मा, दूसरा यहाँ जोड़ा अपन ने, ये सिग्मा, तीसरा अपन ने यहाँ जोड़ा, ये सिग्मा, और चौथा अपन ने यहाँ जोड़ा, ये सिग्मा। ये आपके क्या आ गई? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये बीच में क्या है? कार्बन है। तो CH4 की स्ट्रक्चर अपन इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp2 का एक s 2p प्लस 1 वैकेंट, एक वैकेंट रहेगा। जो वैकेंट है वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा, आप विशेष ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है बच्चों, तो देखो s के बारे में अपन बात करें, s लिख लिया, ये लिख लिया अपन ने px, ये लिख लिया अपन ने py, और ये pz क्या रहेगा? आपके वैकेंट रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कहां से कहां के बीच में हुई? इनके बीच में हुई। तो कितने तरह के बनेंगे? तीन तरह के बनेंगे भैया, ये आपके तीन हो गए, और तीनों ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है आपके 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का बॉन्डिंग होगा। दोबारा देख लो sp2 में 1s और 2p जो है क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में क्या करेंगे? टेक पार्ट, भाग लेंगे, एक वैकेंट रहेगा। इस तरह से तीन तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये आपके कैसे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये आपको कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी? कई बार पूछ लेते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके एग्जांपल किस में मिलेगा। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी हैं वहां हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो डबल बॉन्ड वाले की, ये
जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें इसका sp2 और इसका sp2, यानी कि दो अपन को बनाने हैं इसकी स्ट्रक्चर। जैसे पहला बन गया और ये दूसरा बन गया, और बैक एंड को कहां लगा देते हैं अपन, यहां साइड में ये लगाया, और हाइड्रोजन दोनों में तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया अपन ने, एक हाइड्रोजन यहां लगा दी, और क्या बना सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहां भी क्या बना आपके सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इसका सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और ये जो बैकेंड है ये आपके क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी हैं वहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऐसा कौन सा होगा sp2 होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद थर्ड तरीके का है, देख लो अगर आपके जो है दोबारा इसको ड्रॉ कर लो, देखो दोबारा से बता देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, एक पहले इस कार्बन की लिखी प्लस दूसरे की, दोनों जब कंबाइन हुए एक ही एक्सिस पे तो दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बना सिग्मा बॉन्ड। अब एक जो बैकेंड था उसको अपन ने क्या लिख दिया, इनके बीच में लिख दिया यहाँ पे ये बैकेंड, और ये बैकेंड हमेशा क्या बना रहा है पाई बॉन्ड बना रहा है, तो जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों, अब जब नेक्स्ट बात करते हैं अपन sp हाइब्रिडाइजेशन, sp देखो 1s 1p और 2 क्या रहेंगे आपके वैकेंट, ये आपके px py और pz, दो ही करेंगे तो दो तरह के बने आपके हाइब्रिड और वाइटल, ये दोनों अपने आप को रन कैसे कर लेते हैं लीनियर फॉर्म, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। अब ये होता किस किस में, ट्रिपल बॉन्डेड जो भी है, दोबारा देख लो sp का 1s और 1p, एक s और एक p पार्ट करेंगे इसमें, ठीक है दो बैकेंड रहेंगे, दोनों बैकेंड क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे, दो बने हाइब्रिड और वाइटल, ये आपके कैसे और वाइटल आ गए हाइब्रिड और वाइटल, और अपने आप को कैसी स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं ये लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब इसका एग्जांपल जैसे मैं बात करूं यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका sp और इसका sp, देखो ये sp HGL है आपस में दोनों मिले, ये sp और एक हाइड्रोजन यहां मैंने लगा दी, ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा, अब दो वैकेंट हैं px और py, सॉरी py एंड pz, एक ये लगा दिया एक ये लगा दिया और दूसरा यहां घुसा दिया अपन ने साइड से, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां दो पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों, ये तो था आपके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कितने तरह का, तीन तरह का होता है sp3 sp2 एंड sp। sp3 में जैसे बात करूं 1n 3 3p, sp2 में 1s एंड 2p और sp में 1s और 1p। अब बात आती है इनकी, जैसे s करेक्टर कैलकुलेट करें अपन इनका सभी का, तो बहुत सिंपल सा फंडा है s करेक्टर कैलकुलेट करने का। जैसे sp3 में s करेक्टर परसेंटेज s करेक्टर निकालनी है तो टोटल कितने हैं, चार है ना sp का, 1/4 × 100 = 25%, तो p का परसेंटेज कितना हुआ 75%। इसी तरह से sp2 का आप कैलकुलेट करना, तीन है 1/3 × 100 और p कितने हैं आपके 2 है 2/3 × 100
जो आंसर आएगा वो पी का परसेंटेज होगा और जो आंसर आएगा वो एस का परसेंटेज होगा। एस पी में दो ही होते हैं तो 1/2 × 100 तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया आपका 50% हो गया, तो पी करेक्टर भी कितना हो गया आपके 50%। इस तरह से अपन परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को डायरेक्ट अपन कैसे कैलकुलेट करें, तो एक सिंपल सी ट्रिक अपन यहाँ यूज करेंगे। हालांकि वीडियो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेशन करने का टोटली, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, ओपन चेन वाले की अपन बात करेंगे यहाँ पे सर, बाकी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तब एग्जाम्पल लेते जाएंगे। ओपन चेन टोटल एटम माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा आपके सिग्मा, ये तो एक सिंपल सी ट्रिक है। टोटल एटम गिन लो, उसमें से एक कम कर दो, टोटल सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे क्या होगा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां क्या होंगे टू पाई होंगे। अब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे C2H6 है, इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 - 1 इज इक्वल टू 7 सिग्मा। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 में निकालने हैं, 3 और 3 6 - 1 इज इक्वल टू 5 सिग्मा और एक डबल बॉन्ड है तो 5 बॉन्ड। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, 2 और 2 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 तो हो गया आपके सिग्मा और 2 पाई। तो इस ट्रिक से ओपन चेन वालों के लिए अपन कोई भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लोज चेन की जैसे जैसे मैं कह रहा हूं कि ये पूरी सीरीज चलेगी, ये पूरी सीरीज चलेगी डेली जो है क्या कहते हैं इससे रिलेटेड, और आप एक भी वीडियो अगर बीच में से भी स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें दूसरी चीज आएगी इससे आगे की, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।